हाय गाइस, अभी बज रहे हैं 1 रात के एंड मैंने ये ज्वेलरी करी है डिज़ाइन फाइनली। एंड इसमें लगे लगे भाई मेरे को हो मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, अभी बज रहे हैं सुबह के 9 एंड हो चुकी हूँ मैं रेडी, क्योंकि आज है श्राद्ध। भाई बहुत मुश्किल से खड़ी हो पाई हूँ, वेतन थकान इतनी ज़्यादा थकान, कमर की बैंड, हाथों की बैंड, पैरों की बैंड, ऐसा लग रहा है मैंने कितना काम किया, क्योंकि बिल्कुल भी शरीर को रेस्ट नहीं मिल रहा। रूम की हालत इतनी बुरी है, आप देख भी नहीं सकते हैं, तो एक झलक दिखाती हूँ। ये देखो, पूरी शेटी ना बिल्कुल बुरी तरह से भरी पड़ी है। यहाँ एक तो जो काम चल रहा है, तो उससे चक्कर में क्या होता है, जो कपड़े सूखते हैं ना, कपड़े जैसे सपोज़ बारिश का मौसम है तो मैं ऊपर कपड़े सुखा देती हूँ, तो वो कपड़े आए यहाँ पर तय बन गया, उसमें और कपड़े आ गए, वो उसमें मिक्स हो गए, उसमें और कपड़े आए प्रेस के, उसमें आए, बहुत गंदा सिस्टम चल रहा है। सो आज अभी जैसे कि ना थाली निकलेगी, तो मैं जो हूँ जल्दी इसी वजह से रेडी हुई, अदरवाइज़ मैं 11 बजे तक आराम से, 9 बजे तक सोती हूँ, पहले ब्लॉग अपलोड की टेंशन होती है। तो अभी मैं जा रही हूँ किचन में, खाना बनाऊँगी, फिर उसके बाद जो है ये रूम क्लियर होगा, तब कहीं जाके फिर से अगेन मार्केट यार। सो गाइस, अभी बज रहे हैं दोपहर के 12 एंड मैं इस वक्त कर रही हूँ ब्रेकफास्ट, चने पूरी एंड शेक। आज हैवी ब्रेकफास्ट, संडे है इसलिए हैवी ब्रेकफास्ट बनाए। थाली निकाल दी है, थाली बनी, ब्रेकफास्ट निकाला, तो ब्रेकफास्ट कर रही हूँ। अच्छा, घर में झाड़ू पोछा भी करवा रही थी यार, बोलू भी नाश्ता कर रहा है और सामने चल रहा है क्रेजी एक्स वाई जेड। गाइस, आ रही थी वापसी मार्केट से एंड दीज आर टीनेजर्स, और पीछे से बोला मैम बिग फैन, थैंक यू गाइस। सो गाइस, अभी बज रहे हैं शाम के 6। यस, मैं अभी आई हूँ जस्ट मार्केट से, भूख लग रही थी बहुत तेज़ एंड इस वक्त मैं जैसे नाश्ते में बने थे ना छोले पूरी, तो मैंने वो ज़्यादा बना लिया, मतलब 6 कचौड़ी मैंने अपनी से की थी, 4 खा गई थी, 2 बची थी, 4 बने रखी मैंने जस्ट, भूख बहुत तेज़। तो सोचा क्यों ना चाय के साथ थोड़ी सी राइस भी ले ली जाए, तो खाती हूँ मैं। सिंगल कलर करना भैया, रिमोट सोएंगे। अच्छा, रिमोट कहाँ है, इसका रिमोट दिखाइए, मैं ला के छोड़ दो, भाई हो गया सिंगल हो गया। इसमें तार ऐड नहीं कर सकते आप, डोरी ले लो, लगा देना आराम से। अच्छा, ऐसी लगा है और क्या, और बटे निकल गए, रिमोट दूसरा देख लो। भैया तो चल ही नहीं रहा, अच्छा हुआ हाँ, खून भी तो बहुत पीते होंगे, ये कितने का ये सब डाल दिया। ये तो मैं कर दूंगा, मैं है क्या, रोल लपेटना है। हाय गाइस, अभी बज रहे हैं 1 रात के एंड मैंने ये ज्वेलरी करी है डिज़ाइन फाइनली। एंड इसमें लगे लगे भाई मेरे को हो चुका है आराम से, 2 घंटे हो चुके हैं। एंड ये है मेरी ज्वेलरी, मतलब बैंगल्स, सॉरी ज्वेलरी कह रही हूँ मैं, बैंगल्स मेरी ये हैं, ये एक ये रहा, एक ये। अबे धागा क्यों चिपक गया, हाँ बाकी मुझे पता नहीं, क्योंकि जो मेरा ड्रेस है ना वो ब्लैक है, ब्लैक के ऊपर
येलो है, ग्रीन है, बहुत बेमालूम सा वो है। तो जितने भी आइटम्स मेरे पास थे ना इस टाइप के, वो सब मैंने निकाल लिया एंड उस पर मैंने अपनी कलाकारी कर दी है। अब इसमें थोड़ी बहुत हो सकता है मैं कम करूँ, देखो एक सितारा नीचे छूट के गया। तो गाइस ये ज्वेलरी आपको कैसी लगी मेरे को ज़रूर बताइएगा, मेहनत मैंने बहुत करी। ये जो बैंगल्स हैं ये मैंने बनाए थे, ये जो ऊपर ना नग लगे हुए थे यहाँ पे वो मेरे ख़त्म हो गए थे, तो मैंने इस पर फिलहाल शीशे का वर्क कर दिया। जब आएगा माल वापस से तो वापस से इस पर चिपका दूँगी। चलिए डिशकियाँ, चलिए डिशकियाँ। सो गाइस देखो क्या है ये, ये मैंने हैंगिंग्स नहीं है, हालांकि अभी क्राफ्ट वर्क चल रहा है, दिवाली आ रही है, बट ये है मेरे लहंगे की लटकन जो कि इस तरह से बनाई है, शीशे वर्क है उसमें लहंगे में, तो मैंने ये शीशे की बनाई है। एंड दुपट्टा मेरा येलो कलर का है, तो ये है येलो कलर की इस तरीके से लटकन, टिंग 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 टिंग। बस भाई ये परेशान नहीं करें बिल्कुल भी, पता पड़े परेशान कर रही हैं शीशे की। तो गाइस कैसी लग रही मेरी ये लटकन ज़रूर बताइएगा। सो गाइस बज रहे हैं अभी 1:30 एंड काफ़ी चीज़ें हो चुकी हैं, जैसे कि लहंगे की लटकन बना ली मैंने एंड बैंगल्स कर ली, ज्वेलरी बनी चुकी है, पराना बन ही चुका है, अब क्या बचा, ऐसा जैसा कुछ भी नहीं बचा। तो गाइस आज के लिए सिर्फ इतना ही, टिल देन टेक केयर, डू मोर शेयर, डू मोर लाइक्स, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करना, मिलते हैं गाइस नेक्स्ट व्लॉग में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।